नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। प्रदेश सहित ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में भी आज वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल तहसील परिसर में पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत वात्सल्य योजना का लाभ लेने के लिए 57 आवेदन आए थे, जिनमें से 35 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 35 लाभार्थियों के खाते में जनपद से आज ही डायरेक्ट लाभ राशि ट्रांसफर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वात्सल्य योजना का लाभ लेने के लिए 22 मार्च 2022 तक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए, और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून उसका शुभारंभ किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ, और जो हमारे लाभार्थी वो लोग हैं उनको इसका लाभ किस प्रकार से मिल सके, ये मैंने यहाँ पे अभी इसको शुरुआत की है। तो वात्सल्य योजना से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।